तो हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड 2022 एग्ज़ाम इंग्लिश 12th का जो है प्रोज लेके आए हैं। इस प्रोज का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, इसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक का है नाम अंटन चेकव। क्या है इसका लेखक का नाम? है अंटन चेकव, अंटन चेकव, ठीक है। तो बिहार बोर्ड 2022 जो डी के सर के द्वारा बनाया गया है, इंग्लिश 12th प्रोज ए मैरिज प्रपोजल। अब प्रोज की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोज किस कुछ इस प्रकार का प्रोज है आपका। तो देखिए ए मैरिज प्रपोजल इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट प्ले। ए मैरिज प्रपोजल इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट प्ले रिटेन बाय अ फेमस ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अंटन चेकव। फिर से देखिए, ए मैरिज प्रपोजल इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वन एक्ट प्ले रिटेन बाय ए फेमस ड्रामेटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अंटन चेकव। और मैरिज प्रपोजल जो है एक प्रसिद्ध नाटककार और कहानी लेखक अंटन चेकव द्वारा लिखित एक बहुत ही रोचक वन एक्ट प्ले है। क्या है? वन एक्ट प्ले है। किसके द्वारा लिखा गया है वन एक्ट प्ले? तो अंटन चेकव के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा लिखा गया है? अंटन चेकव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखल है द प्ले प्रेजेंट्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल ऑफ नेटालिया टू लुमुव। द प्ले प्रेजेंट्स एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ मैरिज प्रपोजल ऑफ नेटालिया टू लुमुव। तो नाटक जो है नेटालिया के लुमुव के विवाह प्रस्ताव की एक सटीक तस्वीर जो है प्रस्तुत करती है। इनमें जो है ना विवाह के बारे में है, जो नेटालिया और लुमुव जो है उनका जो है प्रस्ताव जो होता है विवाह का, उनका वह चित्र जो है प्रस्तुत करती है, ठीक है। अब देखिए, इन दिस स्टोरी लुमुव्स एंड चुबकुव आर फास्ट फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दोस्त, ये जो फास्ट फ्रेंड है, ये जो आप देख रहे हैं फास्ट फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं फास्ट फ्रेंड, ये जो आप फास्ट फ्रेंड जो देख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है, फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त। क्या होता है? जिगरी दोस्त, ठीक है। तो इन इस कहानी में जो है लुमुव एंड चुबकुव आर फास्ट फ्रेंड, मान इस कहानी में लुमुव और चुबकुव जो है एक जो है जिगरी दोस्त है। क्या है? जिगरी दोस्त है, ठीक है। इस कहानी में लुमुव और चुबकुव क्या है? एक जिगरी दोस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखल है लुमुव, कौन लुमुव, यानी लुमुव्स लव्स नेटालिया हु वाज द डॉटर ऑफ लुमुव्स फ्रेंड चुबकुव। माने लुमुव जो है नेटालिया से जो है प्यार करता है, प्रेम करता है। हु वाज द डॉटर ऑफ लुमुव फ्रेंड्स चुबकुव, जो किसकी बेटी है? लुमुव का जो दोस्त है चुबकुव, उसकी बेटी है, ठीक है। कौन? तो नेटालिया जो है लुमुव लव्स नेटालिया, लुमुव जो है नेटालिया से प्रेम करता है। हु वाज द डॉटर ऑफ लुमुव्स फ्रेंड चुबकुव, तो जो वह लुमुव का जो दोस्त है चुबकुव, लुमुव्स का दोस्त कौन है? चुबकुव।
उससे जो है वह प्रेम करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, समझ में तो आ ही गया होगा। लुमोव्स लव्स नटालिया, हु वाज द डॉटर ऑफ लुमोव्स फ्रेंड चुबुकूव, ठीक है चुबुकूव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लुमोव वांट्स टू मैरी, लुमोव जो है लुमोव्स वांट्स टू मैरी हर, ठीक है। यहाँ पर हीर लिखा गया है, यहाँ पर आप समझ जाइएगा हर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है हर लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्ट हो गया है, हर होगा, ठीक है यहाँ पे। बट ही डज नॉट डेयर टू पुट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर नटालिया, ठीक है। ही डज नॉट पुट द प्रपोजल ऑफ मैरिज बिफोर नटालिया, लेकिन जो है लुमोव को जो है हिम्मत नहीं है जो नटालिया को जो है विवाह का प्रस्ताव जो है कैसे दे। लुमोव जो है नटालिया से तो प्रेम करता है, जो लुमोव के दोस्त चुबुकूव की बेटी है। लुमोव उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह नटालिया से शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं अब हम नेक्स्ट पेज की ओर। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए नटालियाज फादर आल्सो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नटालियाज फादर आल्सो वांट्स हर डॉटर टू मैरी लुमोव्स, बट ही डज नॉट फाइंड अ वे हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री टू हिज प्रपोजल। कहने की मतलब है कि नटालियाज का जो पापा है वो भी चाहते हैं कि उसकी जो बेटी है उसका विवाह जो है लुमोव से हो जाए, ठीक है। बट ही डज नॉट फाइंड माने यहाँ पर जो है फाइंड माने पाना, ए वे माने होता है तरीका रास्ता, इन अ वे, लेकिन उन्हें जो है कोई तरीका नहीं मिल पाता है जो उनकी बेटी का शादी जो है लुमोव से हो, ठीक है। हाउ टू मेक हिज डॉटर एग्री, और अपनी बेटी को जो है किस तरह से जो है उसको मनाएं, ठीक है, टू हिज प्रपोजल माने शादी की प्रस्ताव के लिए। अब देखिए आगे, वन डे लुमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, एक दिन क्या होता है लुमोव कम्स टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के घर आता है, किसके घर आता है अपने दोस्त के घर आता है, ठीक है। बाय चांस नटालियास कम्स, लेकिन मौका से देखिए यहाँ पर नटालिया कम्स लुमोव एंड नटालिया भी आती है, वहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, नटालियास कम्स, ठीक है, नटालियाज कम्स। इसका देखिए, वन डे लुमोव कम्स टू द नटालिया द हाउस ऑफ फ्रेंड, अपने दोस्त के यहाँ आता है, बाय चांस नटालिया कम्स देयर, यहाँ पर जो है ना बाबा एक यहाँ पर कम्स के बाद आपका जो है देयर छूटा हुआ है, यहाँ जोड़ लीजिएगा देयर, ठीक है, कहाँ पे कम्स के बाद देयर फुल स्टॉप। लुमोव्स एंड नटालिया फिर ध्यान दीजिए, कम्स के बाद यहाँ पर जोड़ना है आपको, यहाँ पे कम्स के बाद यहाँ पर देयर जोड़िएगा, ठीक है ठीक। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लुमोव्स एंड नटालिया बिगेंस डिबेट ऑन देयर डॉग्स एंड लीप्स एंड गेस। अब देखिए वहाँ पे जो है बाई चांस मौका तो था जो वहाँ पे जो है नटालिया भी है, लुमोव भी है, ठीक है। अब आगे देखिए, लुमोव्स एंड नटालिया बिगेंस डिबेट्स ऑन देयर डॉग्स लीप एंड गेस। अब क्या होता है, लुमोव और नटालिया जो है डिबेट करना शुरू कर देता है, डिबेट्स माने होता है ये झगड़ा मान लीजिए, बहस मान लीजिए, ठीक है, ये जो है बहस करना शुरू कर देता है किसके लिए, डॉग्स उनका जो है कुत्ता होता है डॉग्स लीप एंड गेस, उसका कुत्तों को लेकर जिसका नाम है डॉग्स और लीप जो है उनको लेकर जो है वो दोनों में जो है बहस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब देखिए आगे बढ़िए,
इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए दिस डिबेट स्प्रेड्स ऑफ टू द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड। यह जो डिबेट जो होता है, वो जो झगड़ा जो होती है, ये जो झगड़ा जो होता है, दिस डिबेट स्प्रेड्स अप टू द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड। आप देखिए उनका जो बहस जो है फैल जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, ओनरशिप माने मालिक, मतलब औकात वाला जो बात होता है, जमीन तमीन वाला जो बात होता है, वहाँ तक तुम्हारे पास ये है, मेरे पास वो है, इस टाइप से नहीं बहस होते रहता है। गाँव मोहल्ला में भी देखबे करते होंगे इस टाइप से जो है बहस होना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट शॉटिंग हैविंग हेयर द शॉर्ट चुबुकू बिकेम्स फैंटेड। अब देखिए वे लोग जो है मतलब झगड़ना शुरू कर देते हैं। हैविंग, याद रखिएगा एक चीज़ याद रखिए आप लोग, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हैविंग, ये जो हैविंग जो आप देख रहे हैं, ये हैविंग, हैविंग का मतलब होता है कर, जैसे हम हैविंग रीड बना देंगे तो पढ़कर, हैविंग प्लेड खाकर, हैविंग के पास हमेशा, हैविंग के बाद हमेशा भीतरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैविंग, हैविंग हेयर्ड सुनकर जो है द शॉर्ट माने आवाज़, चुबकू बिकेम्स फेंटेड एंड ट्रेंड्स टू बी डाइंग अपील्स टू द लुमोव्स एंड टू बी डाइंग अपील्स टू लुमोव एंड नटालिया टू एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल। क्या होता है, अब देखिए इसका जो चिल्लाहट को सुनकर जो है चुबुकू बेहोश हो जाता है और मरने का नाटक करने लगता है, और लुमोव और नटालिया को शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गुजारिश करता है। ठीक है, गुजारिश करता है। इसके बाद देखिए इस तरीके से देखिए प्रपोजल करता है, बोथ आर देम, इसमें जो चाहिएगा तो कुछ और सेंटेंस जोड़ सकते हैं, बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, बोथ ऑफ देम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं बोथ ऑफ देम THEM देम, बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, ठीक है, द प्रपोजल, एक्सेप्ट द प्रपोजल, PROPOSAL प्रपोजल, फुल स्टॉप दे देना। ठीक है, बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल, PROPOSAL प्रपोजल। ठीक है, तो ये पहले लिख दीजिएगा कहाँ से, यहाँ प्रपोजल के बाद से, जहाँ पर फुल स्टॉप है ना, वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप जो है यहाँ पे, यहाँ के बाद बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल। ठीक है, ये हो जाने के बाद दोनों जो है स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद देखिए लिखल है इन द वे, इस तरीके से जो है देयर डिबेट्स, उन लोगों का जो झगड़ा जो था, बहस जो था, टर्न इनटू द मैरिज, उसका जो शादी में बदल जाता है, मैरिज में बदल जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है लाएंगे, ताकि आपका जो 12th का जो एग्ज़ाम है अच्छा तरीक़ा से हो। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त।